हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेरा भाग वन का पद भाग के तहत जो कविता भाग है उसमें लेक्चर नंबर 25 पढ़ेंगे। कविता का नाम है कोयल। कोयल अर्थात कोयल। राइटर है मुकुंद नायक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी एक उत्कृष्ट क्वालिटी की तैयारी कराई जा रही है, जिसकी वजह से आपका रैंकिंग में सुधार हो सकता है और आप मेरिट में आ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर कोयली। और फ्रेंड्स, और एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे 2 मिनट बात रखना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड्स अगर पंचायत सेक्रेटरी का जो सदस्य होंगे, जिनका अभी कुछ दिन बाद जजमेंट आने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो फंडिंग किया जा रहा है सुमंत महतो के अकाउंट पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ करके लास्ट बार मान के और लास्ट अटेम्प्ट मान के, लास्ट डिसीजन मान के एक बार आप लोग जोर करिए और फंडिंग करिए। और जो फ्रेंड्स नहीं हैं और चाहते हैं कि कुछ हेल्प करें, तो अकाउंट नंबर दिया हुआ है लिंक डिसीजन में, आप जाएँ वहाँ पर, वहाँ पर पेमेंट फंडिंग कर सकते हैं, या जिसके पास अकाउंट नंबर का होगा तो वो वहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उतना जो 5 साल का जो मेहनत किया हुआ है पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव के छात्रों का, जो कि दिन रात मेहनत करके लड़ाई कर रहे हैं, हर एंगल में कर रहे हैं, सरकार को, ये जो जाहिल सरकार उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना बहुमूल्य योगदान दें। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर का नाम है कोयल, ठीक है। कविता का नाम है कोयल, जो राइटर है मुकुंद नायक, ठीक है। ये राग है अंगनई राग में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा कौन राग में, अंगनई राग में लिखा गया है कोयल, ठीक। इसको कैसे कनेक्ट करिएगा, तो कोयल मतलब मीठा आवाज़। किसका मीठा आवाज़ होता है, मर्द का या लेडीज का, लड़की का, तो लड़की का होता है अर्थात अंगनी। और सुंदर अंग किसका होता है, सुंदर अंग होता है लड़की का, तो अंगनी, ठीक, अंगनी। इसका राइटर है मुकुंद नायक। अब मुकुंद नायक को जो ट्रिक याद से हम लोग बनाए हैं, ट्रिक कैसे याद किए थे, कोयल, कोयल का कोयल अर्थात कोयल। और कोयल कैसा आवाज़ करता है, कुकू कुकू करता है, कुहू कुहू करता है। तो कुहू कुहू जगह यहाँ पर क्या याद करना हम लोग को, मुकू मुकू, कुहू कुहू, मुकू मुकू, कुहू कुहू, मुकू मुकू, ठीक है, आपको याद हो सकता है। और जो नहीं देखे हैं ट्रिक को, तो धासु ट्रिक बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखें और अपना 3200 कविता के एक बार में याद कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयल अंगनई राग है मुकुंद नायक। ओदे ओदे रे कोयली बने बोले ला, दुनिया कर तन मन मोहे ला कोयली, ठीक। आगे देखते हैं। शरद जब गेल पर आए, बसंत ऋतु नजीक आए, धरती रंग धरे ला हरियर देखी, गछे गछे बैठे ला कोयली। कोयली अर्थात कोयल के बात हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। डारी डारी फल फूले, आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला, रिजे गीत पंचम सूरे टेरेला कोयली। नेक्स्ट देखते हैं। कुहू कुहू करी नित प्रीत के सिखावे, रीत मन मीत खोजेला, झाड़ झंखाड़ जाए के झांकेला कोयली। नेक्स्ट देखते हैं। मुकुंद सुनी के धुन, सीख लेलक एक गुण, जब खोलेला मधुर बात करे, ऊ तो कहेला कोयली। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसका अर्थ देखते हैं, ताकि हम लोग जो इसका भावार्थ को समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा कविता पाठ से, वो हम लोग को घुमा सकता है, और यहीं से हम लोग लीड ले सकते हैं कविता पाठ को। एक भी क्वेश्चन चाहेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। इसलिए कोयल मतलब कोयल होता है, एक किस्म का पंछी अर्थात कोयल। हाँ, मोहेला मतलब केकरो मन के बस में करे, अर्थात कोई लड़की को हम देखते हैं तो हम दीवाना हो गए, अर्थात वो मेरा मन को मोह ली, ठीक। शरद मतलब जाड़, ठंडा, ठीक, अभी शरद ऋतु चल रही है, ठंडा ऋतु चल रही है। नजीकाए मतलब भीरे आवेक, भीरे मतलब सामने आवेक, हाँ, नजीकाए मतलब नज़दीक आना, टेरेला मतलब सूर छोड़ना, जो आवाज़ जो कोयल का जो कुहू कुहू जो आवाज़ है ना, उसी को टेरेला बोला गया है, सुर छोड़ना। नीत मतलब रोज अर्थात डेली, और मधुर मतलब मीठा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर उसको करेंगे। पहले इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं।
कोयल हैं, राइटर हैं मुकुंद नायक। आप लोग पता ही होगा कि मुकुंद नायक नागपुरी क्षेत्र के बहुत बड़े गीतकार हैं, जो जिनका बड़ा बड़ा हेयर है वही जानते ही होंगे। इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था शायद 2017 में, कंफर्म नहीं है डेट माइंड से सदर किया, लेकिन 2017 में शायद मुकुंद नायक पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, राग आंगनाई राग में ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, मुकुंद नायक जी क्या बोल रहे हैं। ओदे ओदे रे कोयली बने बोले ला, अर्थात वन मतलब जंगल। तो कोयल है वो कहाँ बोल रही है, तो वन में जंगल बोल रही है। दुनिया का तन मन मोहेला कोयली, अर्थात कोयल का आवाज़ इतना मधुर इतना मीठा होता है कि सबका तन मन को मोह लेती है, सबको अपने ओर आकर्षित कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, शरद जब गेल पर आए बसंत ऋतु नजिकाए, धरती रंग धरेला हरियर देखी, गछे गछ बैठेला कोयली। अर्थात शरद मतलब जब ठंडा जब पार पराए मतलब जब पार हो जाता है गेल पराए, अर्थात जब ठंडा बीत जाता है तो बसंत ऋतु नज़दीक आ जाता है। बसंत ऋतु जो ठंडा और गर्मी जो बीत में जब जब नया 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 पत्ता निकलता है, कोमल कोमल पत्ता, उसको बसंत ऋतु बोला जाता है। तो शरद जब पार हो जाता है बसंत ऋतु नज़दीक आ जाता है। धरती रंग धरेला हरियर देखी, अर्थात धरती हरा भरा हो जाता है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु नया नया पत्ता निकलता है ना जी, तो वही टाइम धरती हरा भरा हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, गछे गछ बैठेला कोयली, उस टाइम ये तना वो तना इस पेड़ उस पेड़, कोयल ठीक उस टाइम कोयल का मेन परवान चढ़ता है, वही टाइम कोयल कुहू कुहू करते रहती है। ठीक, आगे देखते हैं, डारी डारी फल फूले आम जाम अति झबरले, झबरले मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लदराना लदकाना बहुत फल जाना, हाँ जमजमा फलना उसको। तो डारी डारी फल फूले आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला रिझे गीत पंचम सूर्य टेरेला कोयली। कौन कोयल, अर्थात डारी डारी फल फूल आम जाम मतलब जामुन ना, डारी डारी फल फूल आम जाम पूरा फला हुआ है। कब, बसंत ऋतु जस्ट बाद बीतने लगता है तो उस टाइम आम जाम उनका फलता है वही टाइम ना जी। ठीक, बसंत ऋतु के बाद गर्मी सीजन आता है, पूरा फल के लदरल रहता है और सुगंध हवा बहेला, पूरा फल फल फूल का सुगंध हवा बढ़ता है। रीझे मतलब खुशी से उस टाइम कौन कोयली कोयल खुशी से क्या करता है, तो गीत जो गाती है पंचम सुर टेरेला, पंचम सुर टेरता है, पंचम सुर आवाज़ निकालती है। अर्थात एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंचम पंचम क्या होता है पता है फ्रेंड्स, हम लोग जो एक गायक जानते होंगे आप लोग आरडी बर्मन नाम है गायक, उसको क्या बोला जाता है, उसका उपनाम पंचम दा को बोला जाता है, पंचम दा आरडी बर्मन को क्यों बोला जाता है। सुर में ना सात राग होता है, ठीक है, कोई गीत में सात राग होता है ना सुर में, उसमें एक पांचवा जो राग होता है ना उसको पंचम सुर बोला जाता है। तो वही सुर को पंचम दा अर्थात आरडी बर्मन निकाला करते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था क्या, तो पंचम दा पड़ गया था। ठीक, आरडी बर्मन जी का, तो वही राग को निकालती है खुशी से, रीझे मतलब खुशी से। तो कौन कोयली, जब पूरा फल फूल लदरा जाता है फल फल के और सुगंध हवा बहने लगता है, तो रीझ से खुशी से कोयली क्या करने लगती है, पंचम सुर निकालने लगती है खुशी से। ठीक, आगे देखते हैं, कुहू कुहू करी नीत प्रीत के सिखावे रीत मनमीत खोजेला, झाड़ झंखड़ जाए के झांकेला कोयली। अर्थात यहाँ पर नीत मतलब डेली, अप्रीत मतलब प्यारा होता है, ठीक है, और मनमीत मतलब दोस्त यार होता है। तो कुहू कुहू करके रोज सिखाते हैं, का सिखाती है कोयली प्यार को, और रीत मनमीत खोजेला मतलब कि शांत मन एक कोई फ्रेंड खोजता है, कोई एक दोस्त खोजता है। कुहू कुहू करी नीत प्रीत के सिखावे रीत मनमीत खोजेला, अर्थात एक फ्रेंड एक दोस्त खोजता है मनमीत, रोज कुहू कुहू करके सिखाती है प्यार कोयल, हाँ, और झाड़ झंखाड़ जा के झांकेला कोयली, और झाड़ झंखाड़ यहाँ वहाँ जा जा के बैठती है कोयली। हाँ, आगे देखते हैं, मुकुंद सुनी के धुन सीख लेलक एक गुण, मुँह जब खोलेला मधुर बात करेला उ तो कहेला कोयली। तब इसका मतलब क्या हुआ कि मुकुंद अर्थात मुकुंद नायक जी जब कोयली की आवाज़ से सुन सुन के, उसका सुर सुन सुन के, उसका मीठापन सुन सुन के क्या सीख गए मुकुंद अर्थात मुकुंद नायक जी कवि जी, एक चीज़ सीखे कि एक एक जब वो अपना मुंह खोलते हैं ना तो मधुर बात बोलते हैं, मीठा बात बोलने का उससे सीखे हैं, कि इससे तो कोयली से सीखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक बार हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि कोयल मतलब कोयल हो गया, हाँ मुकुंद मतलब मुकुंद नायक राइटर है ये, मुकु मुकु कुहू कुहू मुकु मुकु, ठीक,
राइट, ये अंगनई राग में ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे यहाँ पे कुछ कुछ मीनिंग देखते हैं। जैसे यहाँ पे मीनिंग जैसे शरद मतलब ठंडा हो गया, नजकाय मतलब नज़दीक हो गया, और गेल पराय अर्थात पार हो जाना, ठीक है, और हरियरी मतलब हरियर, ठीक है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, और झबरले मतलब लदरा जाना, हाँ लदरा जाना बहुत फलना। और पंचम सूर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि पंचम सूर निकालती है कोयल, तका से रिझे अर्थात खुशी से, और नित्य डेली क्या सिखाती है, डेली प्यार का भाषा सिखाती है कुहू कुहू करके। और हम मनमीत अकेला मन शांत मन कोई दोस्त खोजता है, और कभी झाड़ झंकार में बैठती रहती कोयल, उसके देख देख के मुकुंद अर्थात मुकुंद नायक जी क्या सीखे एक चीज़ देख के, जब भी मुंह खोलते हैं तो मीठा बोली बोलते हैं कोयल की भांति, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर उसको देख लेते हैं ताकि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कोयली मायने होवेला, कोयली मतलब क्या होता है, करिया तोता कोयल नदी। आप लोग इसका आंसर अपना माइंड देते चलिएगा या कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा कि कितना आंसर आप लोग बनाए, ठीक है, और सब बताइएगा कितना आंसर बनाए, आप लोग कोई नहीं बताते हैं जी, ऐसा फिर मेरा भी मन उब जाएगा कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हैं कितना आंसर बना क्या नहीं बना, आप लोग देखते भी हैं नहीं देखते हैं क्वेश्चन आंसर को वो भी पता नहीं चलता है, तो बताइएगा कितना बना तब ना जानेंगे जी कितना बना आप लोग का, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा है, एग्ज़ाम के लिहाज से सही है कि नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए नहीं छोड़े कुछ तो बताइएगा, ठीक है। तो कोयली माने क्या होता है, तो करिया तोता कोयल या नदी का होता है, कोयल होता है कोयली मतलब, हाँ आप लोग अपना मन में जवाब देते चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल कौन राग में वर्णन करल जाए है, कोयल जो कविता है उसको कौन राग में वर्णन किया गया है, उसका डमकच झूमर पावस अंग नहीं। तो हम लोग कहाँ इसका याद करने को बनाया था, कोयल अर्थात कोयल, और कोयल कैसा आवाज़ निकालती, मीठा आवाज़ निकालती है, मीठा आवाज़ कौन निकालती है मनुष्य में, तो लड़की निकालती है। अब उसका ऑप्शन देखिएगा तो उसे का कनेक्शन है कि लड़की का मीठा आवाज़ प्लस सुंदर अंग भी होता है अंग नहीं। हाँ चलिए कुछ कुछ डायरेक्ट डिटो ट्रिक अब चाहिएगा तो नहीं होता है हर चीज़ का डिटो ट्रिक, हाँ सेम थोड़ा सा लंबा भी होता है लेकिन कनेक्शन तो होता है ना, तो आप लोग वही कनेक्शन थोड़ा याद कर सकते हैं, और हो सके आपके पास भी कोई ट्रिक इसका माध्यम हो तो उसको वो अपना ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, बस हेल्प मिल जाता है याद करने का वो मेन चीज़ है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोयल कविता कर कवि लागे, कौन है कोयल कविता कवि, मुकुंद नायक मधु मंसूरी घासी राम और क्यों नहीं, कौन है दोस्त, तो कोयल मतलब कोयल का आवाज़ जब जानते हैं कुहू कुहू तो कैसे मुकु मुकु, ठीक मुकुंद नायक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कवि मुकुंद नायक कोयल से का सीखेला, कवि मुकुंद नायक कोयल से का सीखे हैं, मधुर बोली लड़े पढ़े चुराए का सीखे हैं, बिल्कुल मधुर बोली सीखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो मधुर बोली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कविता शीर्षक कोयल कै पद में रचित है, कितना पद में रचित है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोयल कै पद में रचित है, तो पहला पद तो धुन है, आप लोग देख सकते हैं पहला पद धुन है, तो ये पहला पद ये हो गया, दूसरा ये, 3 1 4 लास्ट में कितना 4 पद है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कै पद शीर्षक कोयल कै पद में है, तो ये 4 पद में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शबद टेरेला माने का हवेला, टेरेला मतलब तो सुर छोड़े गाली देवे एक भाग एक सौंप, तो सुर छेड़ना होता है, बिल्कुल आप ऐसे ही आंसर देते चलिए, हाँ बहुत सही आंसर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बसंत ऋतु कब आवेला, कब आता है बसंत ऋतु, शरद कर बाद गर्मी बाद बरसात बाद या कहियो नहीं, कब आता है बसंत ऋतु, बिल्कुल शरद ऋतु जब गेल पर आए, पढ़े ना अभी जी, तो शरद ऋतु जब बीत जाता है उसके बाद गर्मी, गर्मी से पहले तो कब आता है शरद कर बाद आता है, गर्मी के बाद ना शरद के बाद ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स, धरती कब हरियर रंग धरेला, कब धरता है शरद में बसंत में गर्मी में या कहियो भी, कब धरता है जब शरद ऋतु बीत जाती है और आपका बसंत ऋतु आती है, उस टाइम नया नया कोमल पत्ता निकलता है पूरा हरा भरा हो जाता है, तो कब बसंत ऋतु में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ओदे ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली कौन कविता कर पद लागे,
बिल्कुल, तो आप लोग तो पढ़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं इसी से, कोयली मीठा मीठा बोलना, मोहेला कोयली, तो बरखा बसंत कोयल माटी, कौन कविता का है? तो कोयल का है। हाँ, कोयल अर्थात कोयल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। डारी डारी फल फूले आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला रिझे गीत पंचम सुर टेरेला कोयली, कौन कविता का पद लागे? ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान देते चलिएगा। बसंत कोयल माटी आह्वान, अब कंफ्यूज ये दोनों ना हो जाइएगा। हाँ, ये दोनों में बसंत का है कोयल का है, कोयल का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स। 11, रिझे गीत पंचम सूरे टेरेला, कोयल पद में रिझे माने होवेला। रिझे मतलब क्या होता है? डरे अकबकाए के खुशी या बथा, क्या होता है रिझे मतलब? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, रिझे मतलब क्या होता है? तो खुशी होती है। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोयली रिझे कौन सुर टेरेला, कोयली रिझे कौन सा टूर होता है? प्रथम टूर, दूसरा टूर, सातवां, पंचम, कौन सा टूर छेड़ता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जमजमा के लाइक मारिए फ्रेंड्स। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा तो जमजमा के लाइक मारिए। दूसरा चीज़ कि आज जो न्यूजन नीति की जो सुनवाई हुई उसका आप लोग का न्यूज़ मिल ही गया होगा कि फिर से नया डेट दे दिया गया है, अर्थात 2 मार्च को अपडेट दिया गया न्यूजन नीति का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि डेट का खेला चल गया, अब डेट पे डेट चलेगा। सरकार चाह रहा है कि डेट पे डेट मांग रहा है, सरकार का यही बहाना है। आज क्या हुआ कि आज जो महाधिवक्ता है वो डेट मांग लिए और डेट मिल भी गया 2 मार्च का। ऐसे ही डेट मांग के और एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगी। आप लोग तैयार रहिए, एग्जाम होने वाली है। हर हाल में डेट बढ़ाने वाला खेला स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग कमर कस लीजिए। हर हाल में आप लोग को नागपुरी में 95 मार्क्स लाना है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एकदम लाइक और सब्सक्राइब जमजमा करिए। दूसरी बात, जो आपसे रिक्वेस्ट किया कि पंचायत सचिव का जो अभी केस हुआ है आपका 22 या 23 फरवरी की जो सुनवाई है उसको लेकर फंडिंग किया जा रहा है फ्रेंड्स। फंडिंग की बहुत कमी है और बहुत ज़रूरी है ये फंडिंग। सरकार के मुंह पे तमाचा वहीं से लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से ही लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर हाल में फंडिंग करिए, और जो दोस्त नहीं है वो भी चाहते हैं कि अगर फंडिंग करे तो हमारे अकाउंट नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उसी पे गूगल पे फोन पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ताकि वो फंडिंग का पेमेंट हम वहाँ पे पहुँचा दें सुमन जी के अकाउंट तक। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़ चढ़ फंडिंग करें, और जो दोस्त नहीं भी है तो वो कम से कम इस मानवता होने के नाते, एक मानवता के नाते मदद कर सकते हैं। आप लोग को 200, 300, 500 रुपये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। जय जोहार, जय झारखंड।